पर जब ये एंकर टूटा था तभी मेरे को लगा, और बोट भी बहुत स्पीड में अंदर खींच रही थी, तो बोट चला के भी आगे नहीं आ रही थी, तभी मेरे को लगा कि मैं अभी बच नहीं पाऊँगा। तोकते तूफान से मुकाबला करके हमारे न्यू हेल्प मेरी बोट के नाखवा जस्टिन मिरांडा अपने 5 साथियों के साथ सकुशल कल रात को 9:30 बजे लौट आए हैं। हम जानते हैं इनसे कि किस तरह से इन्होंने ताकते तूफान का मुकाबला किया, इनको उस समय क्या महसूस हुआ और क्या ये फील महसूस कर रहे थे जस्टिन जी? वो टाइम पे मैं महसूस कर रहा था, जब भी मेरा दूसरी बार एंकर टूटा तभी मैंने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अभी आदमी लोग को भी नहीं बचा पाऊँगा और अपने बोट को भी नहीं। तभी मैंने हमारे जो नेता है उसको मैंने कांटेक्ट किया, बनर डिमेलो, और उसने मेरे को थोड़ी हिम्मत दी कि कुछ होएगा, मेरे को मोबाइल पे मैसेज भेजा कि कुछ होएगा तो मेरे को बता दो, मैं इधर से मदद भेजता हूँ। वही दौरान दोपहर के 11 बजे एक हेलीकॉप्टर आया था, वो देख के वो हमारी न्यूज़ लेके चला गया। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि अब मैं किनारे नहीं पहुँच पाऊँगा? हाँ, वही मेरे को लगा कि मैं अभी, मेरा दूसरी बार जब एंकर टूटा था तभी मेरे को लगा, और बोट भी बहुत स्पीड में अंदर खींच रही थी, तो बोट चला के भी आगे नहीं आ रही थी, तभी मेरे को लगा कि मैं अभी बच नहीं पाऊँगा, अभी मेरी बोट भी जाएगी और आदमी भी जाएगा और मैं भी जाऊँगा। जिस समय तूफान की जानकारी आपको मिली उस समय आप समुद्र में कितना किलोमीटर अंदर थे? तब तो 80 किलोमीटर अंदर थे, तूफान की जानकारी मिली तो एक ONGC ने आके मेरे को, ONGC के बोट ने आके मेरे को बताया कि इधर से जाओ, तूफान आने वाला है, तभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। वो मतलब तोकते तूफान से आपने करीब 36 घंटे तक मुकाबला किया? हाँ, 36 घंटे तक मैंने मुकाबला किया, कैसा भी बोट उतना फास्ट में मैं अंदर बाहर लेके आया था बोट उधर से, लेकिन वो चक्रीवादल था ना, पहले मैं तो डाउन जा रहा था, उधर भी मेरे को तूफान ने पकड़ लिया, और जब भी मैं उत्तन भाईंदर में आ रहा था तभी भी मेरे को 2 घंटे का सफ़र था, तो भी मेरे को वो तूफान ने पकड़ लिया, फिर मेरे को अंदर घुसने ही नहीं दिया, फिर 36 घंटा तक मैं वो तूफान से झगड़ता रहा, एंकर डालते रहा तूफान में, बारिश में मुकाबला करके, फिर बाद में मेरे को लगने लगा दूसरी बार जब एंकर उठा तो मेरे को लगा कि अभी तो मैं बुरू नहीं बचूंगा, तभी तो मैंने। इस दौरान आपका खाना पीना कैसे चल रहा था? खाना बनाने को तो चांस ही नहीं, एक दिन तक तो खाना ही नहीं बनाया, खाना खाया भी नहीं, कुछ नहीं, जो बिस्किट था वो वही खाया, फिर दूसरे दिन कैसा भी वो करके नीचे जाके हवा लग रहा है तो गैस भी नहीं जल रहा है और स्टोव भी नहीं जल रहा है, तो फिर कैसा भी बनाया। आपके बोट को कुछ नुकसान भी पहुंचा है, क्षति भी पहुंची है? हाँ, थोड़ी ऐसी पहुंची है, सब कांच भी टूट गया है बोट का, और वो स्टेयरिंग का रॉड टूटा था, वो हुआ है। आप मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे तो कुछ मछली लगी आपके हाथ, कुछ लाए कि नहीं? हाँ, कुछ मछली लगी, ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी लगी, उधर ज़्यादा दिन रुका नहीं मैं तो ज़्यादा मच्छी नहीं मिली, इसके लिए मैं तूफान की वजह से वापस रिटर्न आया, मेरे को जैसा खबर मिला वैसे ही मैं तुरंत निकल गया उधर से। इतना तूफान का मुकाबला करने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और इनका फिर से शुक्रवार को इन्होंने जाने की अपनी तैयारी दिखाई है, इस बारे में बोलिए। हाँ, अभी मैं शुक्रवार को वापस जाऊँगा, काय के लिए अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन खाली बचे हैं, यह लास्ट ट्रिप होगी हमारी, उसके बाद में सब बोट बंद होने वाला है, इसके लिए जाने वाला है। अभी हमारे आदमी लोग भी घर पे जाने वाले हैं, वो लोग का भी टिकट है, तो वो हिसाब से हम एक ट्रिप मार के आएंगे अभी, और वो खलासी लोग भी हमारे साथ में आने को तैयार है। अभी हमारे साथ मछुआरों के नेता और मच्छीमार कृति समिति के कार्याध्यक्ष बर्नर्ड डिमेलो जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस समय जस्टिन मिरांडा तख्ते तूफान से समुद्र में मुकाबला कर रहे थे, ये किनारे पर रहकर इनके बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर रहे थे? हमें जब फिशरीज कार्यालय से पता चला कि भाई तूफान आने वाला है, तो तुम्हारे आज के तारीख में जितनी भी बोटें समंदर के अंदर है उसका हमारे को ब्यौरा पहुँचा दो। जब हमने संस्था के मार्फत मछुआरों का जब देख मालूम करने गए तो हमारी लगभग 38 बोटें आने बाकी थी, और दूसरे दिन पता चला कि भाई जल्द से जल्द जितने भी बोटें हैं वो तुरंत बुलाइए, क्योंकि ये चक्रवात तूफान जो है बहुत खतरनाक है, इसके लिए सब बोटों को आगाह करके किनारे पे बुलाइए। तो दूसरे दिन जब हम लोग ने सर्च रिपोर्ट बनाना चालू किया तो 2 बोटें आनी बाकी थी, और 2 में से एक न्यू हेल्प मेरी और एक दूसरी बोट थी, वो दूसरी कहीं 2-1-2 घंटे के बाद पता चला कि वो भी दूसरी आई, लेकिन एक बोट हमारी रह गई।
सब पूरे मच्छीमार संस्थाओं ने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में फिशरीज कार्यालय को भी पता चला कि पूरे महाराष्ट्र की बोटें सब आई है, खाली एक बोट वहाँ बची है। तो फिर उन्होंने भी कोस्ट गार्ड और सब जगह इतला करना शुरू कर दिया और कोस्ट गार्ड वालों ने हर जगह सर्च करना काम चालू कर दिया। उसके बाद सैटेलाइट से उनको चेक करना चालू किया। तो दमन में से जो गुजरात का कोस्ट गार्ड बोट है, उन लोग को उनके सैटेलाइट पे पता चला कि भाई फला जगह पे ONGC का एक अनमैन वाला जो रिग होता है, वो रिग के पास एक उनको नौका दिखाई दी मछुआरे। तो उन्होंने बताया कि भाई फला फला जगह पे है। तब जाके ONGC को कोस्ट गार्ड ने बताया कि भाई तुम्हारा जो उधर रिग है और पोजीशन के हिसाब से वहाँ बोट है, वो बोट को इतला करो और उसको घर पर भेज दो, क्योंकि ये हमारे मछुआरों का न्यू हेल्प मेरी जस्टिन मिरांडे को कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। तब जाके वो ONGC वाले ने उसको भगाने को घर पे जाने का सलाह दी। तब जाके आधे रास्ते में वो आया और कांटेक्ट हमारा शुरू हुआ, तब तक तूफान ने उसको आधे रास्ते में घेर लिया। और इस दौरान कोस्ट गार्ड ने फिशरीज डिपार्टमेंट हो या सागरी स्थानिक पुलिस हो, महसूल विभाग के अपने तहसीलदार, सब लोगों ने यहाँ किनारे पर आकर जगह जगह और उसके घर पर जाके बोट मालिक के घर पर जाके पूछताछ की और कैसे भी करके इस बोट को यहाँ किनारे पे लाया जाए। उसके लिए हर किस्म के उसने जो भी मदद करनी थी वो कर ली। ये जस्टिन मिरांडा जी न्यू हेल्प मेरी बोट के नाखवा हैं, जिसको नाविक बोलते हैं। और 14 तारीख को ये गए हुए थे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए। 14 तारीख को ही मौसम विभाग ने सबको आगाह किया था कि तख्ते तूफान आने वाला है, सभी मछुआरे जो है किनारे पर लौट जाए, लेकिन इनको सूचना नहीं मिली। बाद में इन्होंने ONGC के अधिकारियों ने इन्हें बताया कि अब आप लौट जाओ, तूफान तेज आने वाली है। और तब इन्होंने आना शुरू किया, तूफान से मुकाबला किया और कल रात को, मंगलवार रात को 9:30 बजे ये चौक धक्के पर सकुशल अपने सभी खलासियों के साथ पहुँच गए। मैं विनोद मिश्रा, YSR के लिए अजय तंबोली के साथ।